आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ के आयुर्वेदिक अस्पताल में वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की है। इस दौरान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बातचीत में उन्होंने प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा किया है। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यहां पर अपना वोट कास्ट किया है पहले और ये सीधी तस्वीरें भोपाल पहुंच गए हैं। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी, इनका वोट भोपाल में है, इसी वजह से भोपाल में वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं मतदान केंद्र पर दिग्विजय सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से मतदान केंद्र से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारी सहयोगी प्रेरणा भी मौजूद है। जैसे ही लाइव तस्वीरें मिलेंगी वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये भोपाल से ही तस्वीरें हैं, दिग्विजय सिंह वोट कास्ट करने पहुंच गए हैं भोपाल में मतदान केंद्र पर। और बिल्कुल ये ओपी चौधरी की आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, जहां पर रायगढ़ में मतदान करने ये पहुंचे हैं और लोगों से भी यहां पर वोट करने की अपील की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लोग आएं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी इस वक्त वोट डाल के निकले हैं, उनसे जानते हैं छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है, पूरे भारत में क्या माहौल है। भैया भाजपा का क्या माहौल दिख रहा है? मैं बात करूंगा, हो जाएगा, मेरी बात होती है। भाजपा का क्या माहौल दिख रहा है भैया? हाँ, माहौल देख रहे हैं, पूरे सब जगह भारी उत्साह है। पूरे देश की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए ललायित है। छत्तीसगढ़ में भी सारे लोग मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। 400 पार है इस बार, मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है, आंकड़ा बहुत बड़ा हो। 11 सीट कितना मिलेगा? 11 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन 11 कमल के फूल के रूप में सौंपेगी। भूपेश बघेल बोल रहा है कांग्रेस, भाजपा बोल रही है कांग्रेस से मुक्त भारत होगी, लेकिन भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि कांग्रेस युक्त भाजपा होगी। भूपेश बघेल जी को चिंतन करना चाहिए कि आखिर उनके परिवार के लोग सब टूट टूट कर छोड़ छोड़ कर क्यों भाग रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस एक डूबती नाव हो चुकी है और उसको पतवार के रूप में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को कर रखे हैं, इसलिए कांग्रेस का हश्र हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझने को तैयार। रायगढ़ लोकसभा भैया, ये थे प्रदेश के वित्त मंत्री जिन्होंने बताया कि 400 पार है इस बार और रायगढ़ लोकसभा इस बार जीत रहे हैं। जी मीडिया रायगढ़ छत्तीसगढ़।